फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ले चलते हैं एक जबरदस्त एडवेंचर करने के लिए, वो है हिटाची नागा में फैशन क्रूज। हम अक्सर फैशन क्रूज जाते हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट गेम्स खेलते हैं और बहुत सारे उनको गिफ्ट भी मिलते हैं। तो फिर चलते हैं फैशन क्रूज़ अच्छा हिटाची नागा में है, अजीगावा बीच के सामने है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा बच्चे मस्ती करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि संडे को पापा जाते हैं जॉब पे और हमें यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो सारे बच्चे और उनकी मामा मिलके करती हैं फन। चलें हम आ गए हैं, ये देखें फैशन क्रूज़ के मेन गेट पे आ गए हैं और मोहम्मद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, सबसे ज़्यादा भाग रहा है। और रमशा आपको कैसा लग रहा है? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और महवेश आप कैसे हो? आपको मज़ा आ रहा है? ये देखो नई वाली फिश लगा दी, वाह। लेकिन हम लोग को फैशन क्रूज में बहुत मज़ा आ रहा है फैशन क्रूज में। ये देखो नई वाली फिश लगा दी। अच्छा, ये इनका जो है ना डिफरेंट चेंज होता रहता है, ये इनके फानूस टाइप कह लें या कुछ भी कह लें, ये चेंज होते रहते हैं। पिछली दफ़ा हम गए थे वो डिफरेंट लगा हुआ था और इस बार ये डिफरेंट इन्होंने फिश वाला लगा दिया। सही, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चलो बिनी शमशा गाड़ी निकालो, ये निकल क्यों नहीं रही है? इसमें लिखा हुआ है कि ये 100 yen डाल के निकलेगी। अच्छा चलो फिर 100 yen डालो जल्दी से, इसके पास है 100 yen ये लो मैं भी साथ डालोगी? हाँ डालो। अब 100 yen डाल दिए, अब क्या करना है? तो रमबीर हमारी 100 yen चले जाएंगे? नहीं, इसको जब हम लोग वापस निकालेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। अच्छा, यानी कि इसकी चाबी वापस लगाऊंगे तो वापस ये निकल जाएगा। और ये इन्होंने वाकई ये तो चाबी से निकल गया, बहुत ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि आप ये अगर आपको 100 yen वापस चाहिए तो फिर आप इस गाड़ी को वापस यहीं पे आके लगाओ, अगर आपने इधर उधर छोड़ दी तो आपके 100 yen गए। सही, ज़बरदस्त, अच्छी है ये। चलो अब हम लोग चलते हैं कुछ, वाव यहाँ पे तो बिनिश हेलोविन की तैयारी हो रही है। हेलोविन अगस्त अक्टूबर में आएगा तो इन्होंने अभी से तैयारी कर ली है। और रमशा खेल रही है गेम, इसमें होता है ये बिनिश कौन सा गेम होता है? इसको जापनीज में आकुरियोको कहते हैं, ये हाथ की जान को टेस्ट करने का गेम है। अच्छा, इसमें हाथ की जान कैसे टेस्ट करते हैं? इसमें पहले तो खोलते हैं इसको, फिर जान लगाते हैं, फिर इसमें जो नंबर आते हैं फिर उसको देखते हैं। अच्छा, तो देखते हैं बिनिश का क्या नंबर आया। बिनिश का नंबर आया है कम। ओहो, बिनिश के हाथ की भी कम जान है और रमशा के हाथ की भी कम जान है, तो इन लोगों को सिर्फ मिला है पेन। चलो चलते हैं, पेन तो मिल ही गया ना। चलो अब ये कौन सा गेम है? एक तो रमशा को गेम खेलने का इतना शौक है कि बस कहीं पे भी कोई भी स्टॉल लगा हुआ होता है, ये लोग अपनी मार्केटिंग के लिए जो है ना स्टॉल्स लगाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और रमशा और बिनिश जो है ना कोई भी गेम मिस नहीं करती। ये देखें, ये उसका घुमाने का है, इस डब्बे को अगर हम बॉक्स को अच्छी तरह से घुमाएंगे और उसमें डिफरेंट कलर के जो है बॉल्स निकलेंगे। ओ ओ ओ, ये तो वाइट कलर का बॉल निकल गया। रमशा आप हार गई हो, आप छोड़ दो, आप बिनिश के लिए चलो मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरा अच्छा बॉक्स निकल जाए। अच्छा, वाइट में सिर्फ इनको स्नैक्स मिलेंगे, उकाशी मिलेगी। और ओ ओ ओ, ये तो रमशा का भी वाइट निकल गया, बिनिश का भी वाइट निकल गया। अच्छा, एक और गेम है। अच्छा, इनमें अगर ये जीतती हैं तो इनको जो है डिफरेंट गेम्स मिलेंगे, और अगर हारेंगी तो फिर इनको ये जो इन टब्स में पड़ी हुई है ये उकाशी मिलेगी। चलें बिनिश और रमशा, ये गेम्स भी सो एंड सो, जीती नहीं है लेकिन चलो ये ज़्यादा उकाशी मिल जाएगी इन लोगों को। नया गेम, इस गेम में क्या है बिनिश, ये क्यों लगाया हुआ इन्होंने? इस गेम में अगर हम लोग 167 पॉइंट्स को अगर पार कर देंगे तो हमें मिलेगा मिस्टर डोनर्स का टिकट। ओहो, तो जल्दी डालो। बिनिश रमशा बहुत देर से डाल रही है तो हम हार जाएंगे, जल्दी डालो। चलें भाई, बिनिश रमशन तो नहीं मिस्टर डोनट का ले सके वाउचर, अब ये मैं विश लेना चाह रही है। और इसमें ये कह रहे हैं ब्लैक डॉट पे डालोगे तो आपको वाउचर दे देंगे, लेकिन ये मैं विश भी
नहीं दे सकी। ओ, 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 चलो कोई मसला नहीं है, चले अब गेम देखते हैं। लोग यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, ये क्रेन कैचर है, ये पूरे अच्छा इस मॉल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेन कैचर है। अच्छा मैंने इसके अलावा एक अपनी लाइव वीडियो में ये पूरा का पूरा जो है ना क्रेन कैचर मैनिया कवर किया है, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। ये देखें अच्छा उसमें जो है एक अंकल ने एक पिलो निकालने के लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी है और शायद उन्होंने 10,000 येन यानी कि पाकिस्तानी 20,000 से ऊपर खर्च किया है और उनका वो पिलो आखिर में जाके निकला है। तो वो आप लाइव में, आप मेरे एक लाइव वीडियो है उसमें आप ज़रूर देखिएगा। महविश और मोहम्मद ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेले थे, बहुत मज़ा आया था। और मोहम्मद को अपना वाला हैंडल पसंद नहीं आ रहा, उसको महविश वाला हैंडल चाहिए और वो महविश को हटाने के चक्कर में। तो ये उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अब आपको कहाँ जाना है। ओके बाय 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 बाय।